आदाब के फिनिश 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सफादी। दिगर जिले के औराजी तालुके में संतपुर सर्कल में ओल्ड बैंक रिवार्ड प्रोजेक्ट वाटरशेड का काम चल रहा है, जिसके तहत चेकडैम के निर्माण में धांधली को लेकर स्थानीय किसानों ने इसकी निंदा की है। क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं औराज से फिनिश के संवाददाता आलम पाशा की स्पेशल रिपोर्ट। बीदर जिले के औराजी तालुके में संतपुर सर्कल में ओल्ड बैंक रिवार्ड प्रोजेक्ट वाटरशेड का काम चल रहा है, लेकिन लाधा ग्राम पंचायत के तहत आने वाला गांव बच्चापल्ली गांव के सर्वे नंबर 7 प्रकाश गणपत राव जाधव और सर्वे नंबर 5 रमेश पाटिल नाम के किसानों के खेत में रिवार्ड योजना के तहत चेकडैम बना रहे हैं। प्रकाश और रमेश दोनों किसानों ने केपी न्यूज को बुलाकर इस चेकडैम के काम के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले समय पुराना चेक डैम मौजूद था, वहीं चक्रम लाधा ग्राम पंचायत अनुदान में बनाया हुआ है। इस पुराने चेक डैम के दोनों साइड के वाल और दीवार को डिमोलिश करके और उन्हीं पत्थरों से चेक डैम बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि उस पुराने चेक डैम के तकरीबन 500 से 600 ग्रेनाइट पत्थर लिए गए हैं। ये जो रिवार्ड योजना के अंतर्गत नए चेक डैम के लिए कुल अनुदान 4,50,000 से 5,40,000 तक होता है। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में दादा ग्राम पंचायत में आने वाला गांव बाचापल्ली है। इस बाचापल्ली गांव के एक ऐसा समस्या हो गया कि सर्वे नंबर 7 गणपतराव आनंदराव इनका सर्वे नंबर है। खुद हमारे साथ तो सर्वे नंबर जो खेती है खुद सर्वे नंबर के घर के बेटा उनके बेटे हमारे पास खुद है। और सेकेंडली बात, पिछले समय वो आने कट था, वो पुराना वो आने कट कई दफ़ा गिर गया होगा, फिर भी क्या है वो तो अच्छा बात था वो आने कट, उसको फतरे वो तोड़ कर उसी के फतरे क्या है बोलते ये नया आने कट को डाले हुए हैं। इस लादा ग्राम पंचायत के अंदर बाचापल्ली गांव के खुद निवासी है, हम खुद उनसे ही बात करेंगे। हमारे कैमरामैन क्लियर आगे आ सकते हैं कि सर नमस्ते। सर नमस्ते, मेरा जो भी नुकसान हो रहा है, मेरा नाम प्रकाश जाधव गणपत राव जी, हमें बाचापल्ली सर्वे नंबर सात में 8 एकड़ 21 घंटे के मालिक का बेटा हूँ मैं साहब जी। मेरी जो भी मट्टी है पूरा नदी यहाँ से 150-200 फीट के अंतर नदी है, पूरी नदी भर जाती है। ये तो मट्टी का तुम होना है तो कैमरा भी ले सकते जी। ये कितना फीट हाइट चढ़ा है उसको भी देख सकते जी। वो मट्टी मेरे नुकसान नहीं होना, एक तो मेरे पुराने पत्थर पहले पुराना 15 साल के पहले का चेकडैम था, वो यूसुफ साहब मेंबर पंचायत लादा पंचायत से करोशो काम था, वो पत्थरों से उन गिरा के और नया चेकडैम बनाए। एक तो जहाँ पे एस्टिमेट है वहाँ पे नहीं बनाए जी, जहाँ पे नहीं बनाए तो भी कोई संबंध नहीं भाई, अच्छा काम करके दे तो किसान लोगों को मालूम नहीं रहता सब जी, जी जी क्या मालूम रहता है किसानों को भाई, अच्छा काम हो रहा है मेरे खेत में, कल चल के तुम क्या करते हमको मालूम है क्या, तुम 1,00,000 खा रहे कि 10,00,000 खा रहे कि 20,00,000 खा रहे कि नहीं खा रहे कि, हमको संबंध नहीं रहता उसका। जो हमारा नुकसान करके तुम्हारा काम मत करो, कहीं भी यहाँ पे नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट में बोलूंगा, मैं तालुका में बोलूंगा, स्टेट में जाके भी बोल दूंगा, मेरे को कोई संबंध नहीं, मेरा नुकसान करने से फायदा नहीं। नहीं फिर भी अब हाँ। जो आने का जो तोड़े हुए थे आपके हाँ। फतरे लेके गए हाँ, हाँ। ये फतरे लेके जाके क्या करें, फतरे लेके जाके पुराना ही बनाए ना, आपके सामने दिख रहा तुम है ना मेरे सामने, तुम्हारे सामने हमें जितना बनाया उतना बता दिया, खाली एक लाइन बनाए नया पत्थर लाके ऊपर का तो काम रोका दिया सामने, मेरा काम शिस्त करो, मेरा काम अच्छा करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है बोले तो सीमेंट और सब डाले सोता उठा लेके चले गए जी। हाँ उससे कुछ भी मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरी मट्टी जाना नहीं खेत में की, और आने वाले गाँव वाले लोगों को भी तकलीफ न होना, यानी कि मेरे सर्वे नंबर में का रास्ता है वो गवर्नमेंट रास्ता नहीं है, तो भी मैं बड़ा दिल करके सबको रास्ता देने वाला, तो रास्ता जो गिरा है ना पत्रे नको गिरा बोले तो भी गिरा दिए, तो क्या कहते आपके ऊपर छोड़े सो, हम गिरा भी बोले नहीं, मैं बोला ऑलरेडी नको गिराओ तो भी गिरा दिए, उसके भी पत्रे वहीं लगा दिए। जो गिराए बोले तो उन्होंने क्या पत्थर यूज करने के लिए गिराए क्या होना बल्कि गिराए साहब, आपके सामने पत्थर है ना, एक मिनट यूज करे ना, दिख रहा है अपने को जी। हाँ यूज करने के वास्ते गिराए, नहीं नया कहाँ से लाना, उसको बजट कहाँ से देना, नए पत्रे को पैसे नहीं देना, इसमें का इसमें लपड़ना निकल जाना बोल के काम करे सर जी। हाँ मैं
और क्या बोलो? नहीं नहीं, सेकंड बात वो अगर सब जो आने का था इधर भी था उधर भी था, बल्कि हाँ, बता रहे हैं हाँ, तो पुराने फतरे हुए थे हाँ, पुराना गिरा हुआ था सब हाँ, दोनों साइड के पन्ने थे पन्ने थे पन्ने पन्ने गिरा दे के भी होना बोल के नको बोले तो भी गिरा दिए। एक पन्ना नको गिरा रास्ते तरफ का बोला जी, जो रास्ता है उस तरफ का पन्ना मत गिराओ, गाँव में से कम 3 फीट पानी आता, पूरा गाँव का पानी यही आता जी, पानी आते ढसा लेके पूरा नदी को चले जाते, तो नको गिरा बोल के बोला। और नहीं बोलता की जेसीबी वाला गिरा है, जेसीबी वाला बोलता कोई कौन कौन गिरा है ऐसा बोलता, मेरे को क्या मालूम जी करो बोले गिरा है, मैं नहीं रहता साहब, हम काम करने वाले हम इधर उधर जाते, हमारा बच्चा रहता है खेत में, उसको क्या मालूम है बेटा बेटा बोले तो हूँ मामा मामा बोलते, उन्हें क्या करे कि नहीं मालूम। आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम प्रकाश यादव। यही प्रकाश यादव का कहना है कि इनका सर्वे नंबर खेत है, लोगों को आने वाले जाने वालों को क्या बोलते, खुद मेरे सर्वे नंबर में 7 नंबर सर्वे नंबर में से मैं रफा देता हूँ, ऐसी दिक्कत मत करो, कई अधिकारियों अच्छा को काम करो, अधिकारियों को संपर्क किए थे कि उधर का मत तोड़ो, पानी का सोर्स आता है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ होती है। यही प्रकाश का कहना है कि ये जो चेकडैम है छोटा बहुत तो टूट गया था, थोड़ा बहुत तो उसकी दीवार थी, वो दीवार के फसर लग जा कर क्या है बोलो तो इस नया चेकडैम, यही नया चेकडैम, ये रिवार्ड प्रोजेक्ट वाटर शेड को ये स्कीम आए, ये स्कीम में क्या है बोल तो इसको लगाए हुए हैं। हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि आगे आ सकते हैं कि यही समस्या देख सकते हैं कि इधर कुछ सोर्स नहीं है, फिर भी क्या है बोल तो जेसी पर ला कर क्या है बोल तो लोगों को कहिए, जो खुद उनका कहना है देख सकते हैं, ये अजरे क्या है बोल तो खाली एक ही लेन बिठाए हुए, बाकी के पूरे क्या है बोलो तो पुराने ग्रेनेट लेकर पुराने पत्थर लेकर ये लगाए बोलकर क्या है बोलते हैं प्रकाश का कहना है। और दूसरी बात तो प्रकाश का हवरे कम्प्लीट क्या है बोलते, हमारे कैमरामैन आगे आ सकते हैं, अब देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं हमारे कैमरामैन आगे आ सकते हैं, जो अब यहाँ पर ये मट्टी है, ये मट्टी इतना हाइट चढ़ी हुई है, बारिश के मौसम में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल चार गांव का पानी आता है सब, पूरे चार गांव का पानी आता है, इसको चार गांव का पानी आता है, एक कौन कौन सा गांव का पानी आता है, दुपत्मा गांव आता है, बाबड़ी का आता है, मन्यमपुर और बच्चेपुर, ये तीनों गांव का पानी आता है, चार गांव का मेरे गांव को पकड़ के जी, पूरे खेतों का पूरा ऊपर रोड का जो दुपत्मा गांव और बाबड़ी जो रोड है वो रोड के ऊपर से भी पानी मेरे खेत में आता है जी, वो पानी के वजह से सामने वाला मट्टी का कैमरा निकाल के आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप भेज दो, मेरा काम अच्छा कर जी जी, मेरे जी। को दूसरा कुछ लेना देना नहीं, नहीं पानी आता बोल तो इतना बड़ा सोर्स है, सोर्स होने के बाद भी हाँ। अगर से तुम बोले क्या इनको हाँ, बोल दिया सब पूरा क्लियर करो, मेरी मट्टी मेरी जगह में डाल दो बोला, अच्छी करते धूप काले में करते, आप करते तब करते बोले, नहीं करते ना बाबा काम, मेरी मट्टी निकालने तक काम नहीं करना बोलते रुका दिया, रुका दिया। सेकंड बात क्या बोलते, जो ये चेकडैम बंधे हुए है इसका जीपीएस यहाँ पे नहीं है, आगे है, आगे आगे जीपीएस तो आगे नहीं बैठता बोल के इधर बिठा दिया सर, अच्छा हाँ। जो बिठाया हम, मगर दूसरी बात तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मट्टी नुकसान नहीं होना बोल के इतना ही बोल दिया हाँ। फिर भी ये हो, सेकंड बात क्या बोलते, अब ये बना दे, बनाने कुछ ये नहीं है, अभ्यंतर नहीं है हाँ। सेकंड बात क्या बोलते, जानवर होंगे या पक्षी होंगे उनको पानी के लिए सरकार क्या बोलते कैसे स्कीम निकालती है, इस स्कीम अच्छा है, मगर क्या है सेकंडली क्या बोलते, जो तुम्हारे जो पुराने पत्थर आने का थे वो लाके नया बने हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसी लिए तो रुका दिया, तुम्हारे ऐसा चाहिए क्या तुम्हारे फंड में, तुम्हारे डिपार्टमेंट ये काम करो बोल रहे क्या, तो एक चेकडैम से पूरा गांव भर के बनाते जाते। बाचापल्ली है, इस बाचापल्ली गाँव के अंदर एक रिवार्ड प्रोजेक्ट वाटर शेड बोल कर क्या बोलो तो इसके तौर से आने कट बने हुए है, आने कट बनने के बाद दूसरी बात ये हमारे क्लियर हमारे कैमरामैन बता सकते हैं कि पिछले समय अधिकारी ग्राम पंचायत होंगे या झड़पी से होंगे यहाँ पे आने कट डाले हुए थे, पुराना आने कट डाले हुए थे, अच्छा रहने के बावजूद भी इसको तोड़कर तो ये रिवार्ड प्रोजेक्ट तो वाटर शेड के तरफ से क्या बोलते हैं नया बनाया गया, तकरीबन नए बोलते इसका ही मटेरियल यही फतरे हमसे क्लियर कर लेंगे क्या बोलते वहाँ पे आने का बन गए, ऐसे अधिकारी और प्रशासन देख सकते हैं कि हमारे क्लियर हमारे कैमरामैन बता सकते हैं कि वहाँ नया बन रहे हैं रिवार्ड प्रोजेक्ट तो वाटर सेट का क्या बोलते तो इसमें क्या बोलते आने कट बन रहे हैं, ये पुराना तोड़ दिए है उधर से तकरीबन नए बोलते इधर यहाँ पर तक, यही पूरा नया अच्छा रहस्य क्या है बोलते तो ये तोड़ दे के वो नया सेट नया बन रहे हैं आने कट, इसको जिला प्रशासन और तालुका प्रशासन इसको संज्ञान में लेना चाहिए।
कई अधिकारी लोगों को, किसानों को होंगे या जानवर को होंगे, गोरु जनों को, पक्षी को होंगे, पानी पिलाने के लिए दुनिया का क्या बोलते किसानों को सहूलत करती है, फिर भी और दवा मारने के लिए पानी के सोर्स होना बोलकर क्या बोलते यहाँ पे अनेकट पुराना बंधे हुए थे, यही अनेकट तोड़ कर क्या बोलते वहाँ देख सकते कि नया बंधे हुए है। जब बजट आया तो नया बंधे है एग्रीकल्चर से। इस तालुका ईडी खुद यहाँ पर आकर जीपीएस डालकर यहाँ पर पूरा क्लियर हमारे पास एविडेंस के साथ में है, फोटो है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए। उनको ये पुराना अनेकट तोड़ने के लिए इनको कौन दिया परमिशन, किस तौर तोड़े हुए है, और इसको हम सेकंड बात ये जो पुराना अनेकट है या झड़पी से बना या ग्राम पंचायत से कौन बना, कौन से स्कीम में बना हमको पता नहीं है, आने वाले वक्त बताएगा। इसको जिला अधिकारी और सीएस और तालुका अधिकारी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे ये क्या है, ये पूरा गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं। जब यहाँ गवर्नमेंट का एक अनेकट है, यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अनेकट बनने के बाद बावजूद भी लोग सामने जाके बनते हैं, ये देख सकते हैं, फिर भी ये देखिए ये दीवार तोड़ दी हुई है, ये दीवार तोड़े भी है, ये देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, ये हालत देखिए दीवार की। ये जो अनेकट है यहाँ का तोड़ कर यहाँ का ही फतरे लेकर वो नया अनेकट बने हुए हैं। हम नया अनेकट बनते हैं कुछ आश्वासन दिए होंगे। एक तो प्रोसीजर में जो गवर्नमेंट का अनेकट है उसको तकरीबन 15 से 20 साल उसको देखना नहीं लगता, कुछ ये नहीं है, अभ्यंतर नहीं है। सेकंड बात क्या बोलते जानवर होंगे या पक्षी होंगे उनको पानी के लिए सरकार क्या बोलते कैसे स्कीम निकालती है, इस स्कीम अच्छा है मगर क्या है सेकंडली क्या बोलते जो तुम्हारे जो पुराने फसल अनेकट के वो लाके नया बने। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसी लिए तो रुका दिया। तुम्हारे ऐसा चाहिए क्या तुम्हारे फंड में, तुम्हारे डिपार्टमेंट ये काम करो बोल रहे क्या, तो एक चेक डैम से पूरा गांव भर के बनाते जाते और किसके खेत में तुम जीपीएस करते, यहाँ के उठा के वहाँ ले जाके बनते, फिर मतलब क्या गवर्नमेंट दे रहा कहीं को अंधा पीछे कुत्ता खाए हो रहे, मतलब क्या इसमें जी, वो काम नहीं होना सब, मेरा काम अच्छा होना, हमको किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हारा का अभ्यंतर क्या है बोलते होना बोल के नाको फोड़ बोलते भी वो चुप थोड़ा बहुत चल रहा था ना, दोनों साइड के पन्ने थे जो बीच में का गिरा हुआ था, एक साइड का बोल दिया ऑलरेडी नको गिराओ, जेसीपी वाले को बोला मैं नको गिरा भाई, मैं तो नहीं रहता गाँव में, मैं काम पे जाने वाला आदमी हूँ, नको गिरा बोल के बोल दिया, जो भी साइड का गिरा के पुराने पत्रों से बनाए, मेरे को कुछ उसका लेन देन नहीं है सब, बनाए ना भाई, हम किसान लोग है सब, ऊपर वाला देने वाला हमको कोई भी नहीं देता, हम किसान क्या है भाई, हमारे खेत में है ना गिरे तो वंदे नहीं वंदे कोसा भी वंदे भाई, मेरा काम अच्छा कर रहे सब रिलेशन में है बोल के समझ के हम खामोश बैठे। अब ये तुम्हारा सर्वे नंबर क्या बोले, सर्वे नंबर 7-8-21 घंटे क्या उधर का किन का सर्वे नंबर, रमेश। हाँ अभी रमेश पाटिल बोलकर क्या बोलते उन्होंने खुद हमारे पास मौजूद है। आपका नाम क्या है, रमेश है। आपका सर्वे नंबर क्या है, सर्वे नंबर 5 है क्या, सर्वे नंबर 5 है। क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे, क्या नहीं, दीवार पहले तो चकडम का दीवार वो बंदे सो था, वो नको बोले तो दर्दी मारो बोले तो भी मार दिए सर जी, मार दिए नको बोले तो पत्रे लेके इधर बंदी क्या, और फिर भी अब तकरीबन नहीं बोलते, अब ये पूरे फतरे के नए लाए क्या, ये चकडम के छे नहीं सब एक लाइन क्या तो नए है, बाकी के सब पुराने है सर, पूरा नीचे के पूरे के 6-7 थर 7-7 6-5 1-2-3-4-5 पांच थर पुरानी है, एक थर ऊपर का नया है। और दूसरा समस्या क्या है, समस्या क्या है बोलो तो, ये सब ये दड्डी पानी मार के रास्ता अच्छा करके देना साहब, वो गिरे सो दीवार था ना वो बन के देना, नहीं बन के देना, जब बोलने के बाद फिर भी तोड़े है, वो कैसा बनते हैं वो क्या है देखो, आप कैसा करते क्या नहीं उनको मालूम, आप हम नको बोले नको तोड़ो बोले तोड़ दिए साहब। आपका नाम क्या, रमेश। ये सर्वे नंबर क्या बोले, सर्वे नंबर 5। यही रमेश सर्वे नंबर 5 का क्या बोलते किसान है, उनका खेत भी है इधर, नको तोड़ो बोल के फिर भी क्या बोलते बोलने बावजूद भी जेसीबी लगाकर तोड़े है बोलकर क्या बोलते प्रकाश का कहना है। खुद हमारे केपी न्यूज को उन्होंने कॉल कर प्रकाश ने हमको यहाँ बहुत समस्या हो रहा है, क्यों बोलते हो इस चकडम क्या है बोलते नको तोड़ो बोलते तोड़ तो भी क्या है बोलते, फिर भी हमको केपी न्यूज को बुला कर क्या बोलते हो इनका इसकी क्या क्या है, इनकी तकलीफ क्या है वो पूरा केपी न्यूज के बताए। और सेकेंड बात तो रिवर प्रोजेक्ट वाटर शेड बोलकर क्या है बोलते इस
इस बजट में क्या है बोलो तो, इस कंपनी इस बजट में क्या है बोलते हैं ये आने कट बंदे। हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि ये देख सकते हैं, ये लादा पंचायत में आने वाला गांव बाचापल्ली गांव है। आप देख सकते हैं सभी पुराने पत्थर है, वो पुराने चेकडाम का पत्थर लेकर इस आने कट को डाले हुए है। बोलकर क्या बोलते प्रकाश का और रमेश का कहना है, कैमरा पर्सन पप्पूराज के साथ मैं अलीम पाशा, केपी न्यूज औरत औरा तालुके के सहायक कृषि निदेशक औरा तालुका एडी अधिकारी से उनके कार्यालय जाकर संपर्क किया गया तो वो बताते हैं कि इंक्वायरी करेंगे। जब केपी न्यूज के संवाददाता ने बिदर जिले के डीडीए यानी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर अधिकारी से संपर्क किया तो अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और बात करने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे अधिकारी मौके का फायदा उठाते हैं। केपी न्यूज ने एओ यानी कृषि अधिकारी आनंद से उनके कार्यालय जाकर संपर्क किया तो एओ कृषि अधिकारी ने बताया कि तालुका एडी अधिकारी को बोलो, जिला ऑफिसर डीडीए अधिकारी को बोलो या जिला जेडीए अधिकारी को बोलो। इन दोनों किसानों ने बताया कि दिगर के जिला अधिकारी को ऐसे सभी अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द इंक्वायरी होना चाहिए। इन बच्चापल्ली गांव के किसानों का हक मिलना चाहिए। इस संबंध में गांव के निवासी नीलकंठ ने भी बात की। न्यूज 24/7 की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश और अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।